नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए कि सरकारी सेक्टरों एवं जमीनों पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, लेकिन उनके आदेश को ताक पर रखकर प्रशासन के नुमाइंदे खुलेआम सरकारी सेक्टरों और जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद मऊ धिमलौनी मौज में मेड़ को लेकर चल रहा है, जिसमें मऊ लेखपाल द्वारा जमीन की नाप कर सरकारी सेक्टर पर बन रहे मकान के निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन भूमाफिया एवं धिमलौनी लेखपाल ने साठगांठ करके एक प्रार्थना पत्र शनिवार को थाना दिवस में दिलाया। फिर दोनों बिना किसी को बताए जमीन की नाप करने चले गए और जमीन की अपनी मन मर्जी से नाप कर उसकी आख्या पहले अधिकारियों को न देकर सीधा जमीन के मालिक को देकर निर्माण की अनुमति दे आया। जब यह बात सरकारी सेक्टर पर मकान बन रहे की शिकायत करने वाले को पता चली और उसने मऊ लेखपाल द्वारा नाप की गई जमीन की आख्या दिखाई तो धिमलौनी लेखपाल आपे से बाहर हो गया और उसने पूर्व में की गई नाप को झूठा बताते हुए मकान निर्माण शुरू करा दिया, जबकि बताया जा रहा है साजिश के तहत पुराने नक्शे को जलाकर नया बनवाया गया ताकि जमीन की सही नाप न हो सके और भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले रहे। जब इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने तहसीलदार को जांच करने का आदेश दिया। तहसीलदार ने दोनों मौजों के लेखपालों को उक्त जमीन की नाप करने भेजा, जहां धिमलौनी लेखपाल द्वारा की गई नाप को गलत पाया। उसके बाद भी दंबगई के चलते मना करने के बाद भी मकान निर्माण नहीं रोका गया। जब इसकी शिकायत समाधान दिवस में की गई तो तहसीलदार राकेश कुमार ने दोनों लेखपालों को बुलाकर मामले की जानकारी ली और मकान निर्माण को रोकने के लिए धिमलौनी लेखपाल को आदेश दिए, लेकिन अधिकारी के आदेश को ताक पर रख सरकारी सेक्टर पर देर शाम तक निर्माण चलता रहा। जब यह जानकारी पत्रकारों को लगी और उन्होंने लेखपाल से निर्माण का आदेश किस अधिकारी के आदेश पर कराया जा रहा और आपने किस तरह निर्माण करने का लिखित आदेश दिया, तो उक्त लेखपाल पत्रकारों से भड़क गया और सीधा बोला कि हमें हल्के में मत लेना, मैं बहुत ऊंची पकड़ रखने वाला हूँ। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट।